टीवी की मशहूर गुलाबो यानी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर की 7 अक्टूबर को कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिव्या के जाने से उनकी खास दोस्त देवलीना भट्टाचार्य को काफी बड़ा झटका लगा है। पिछले 10 सालों से वो दोनों अच्छी दोस्त रही थी। देवलीना भट्टाचार्य ने एक वीडियो शेयर करते हुए दिव्या भटनागर के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कई शौक खुलासे भी किए। देवलीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश शेयर करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में ये नहीं देखा कि दिव्या ने किसी के साथ कुछ गलत किया हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। खासकर रिलेशनशिप में वो काफी परेशान रही। हर एक लड़की अपनी जिंदगी में ये गलती करती है। अपने वीडियो में देवलीना आगे कहती है कि हालांकि दिव्या को कोरोना हुआ था और उसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन दिव्या के साथ जो मेंटल स्ट्रेस और शारीरिक छल हुआ है, कोई भी इंसान उस फेज से गुजरता है तो छोटी से छोटी बीमारी से भी लड़ने की उसके पास ताकत नहीं रहती। वीडियो में देवलीना ने दिव्या के पति के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि दिव्या के पति गगन पर शिमला में केस दर्ज है। गगन ने करवा चौथ वाले दिन भी दिव्या के साथ मारपीट की थी। उन्होंने बताया कि गगन शोषण के आरोप में 6 महीने जेल में भी रहा और फिर उसे बेल मिलने के बाद वो बाहर आया था। देवलीना ने कहा कि गगन गबरू और उसकी माँ अब जेल में ही सड़ेंगे, मैं उसे एक्सपोज कर दूंगी। खैर, एक्ट्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है इसको लेकर अभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।